उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 के नरेंद्र नगर के कुमार खेड़ा के पास पहाड़ी दरकने से बड़े बड़े बोल्डर और भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। मलबा गिरने के कारण रात से ही रोड यातायात के लिए बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और NH पर काम करने वाली संस्थाओं को आदेश दिया। दोनों ओर से पोकलेन मशीन JCB मशीन लगाकर सुबह से ही मलबा हटाने का काम निरंतर जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस रोड पर भी मलबा गिरा हुआ है, जिससे देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों की समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यदि मलबा हटाने में बारिश बाधा नहीं बनी तो 4 घंटों के भीतर सड़क पर से मलबा हटा लिया जाएगा। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। से लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिस कारण से पहले भी मलबा पड़ा था, बाद में लगातार मलबा आ रहा है। इस समय बारिश कम हो रखी है। PWD व अन्य संस्थाएं इसमें लगातार काम कर रही हैं। ये कहना मुश्किल है कि कब तक खुलेगा, लेकिन अगर बारिश न हुई तो 4 घंटे 5 घंटे कम से कम इसमें और लग पाएंगे।